यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। देखिए पहले तो हम यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ के आए, हिंदू भाइयों ने हम लोगों को फूल वर्षा किया, ये गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नज़ारा चूँकि देखने को मिला है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये अपना इलाहाबाद प्रयागराज में मिलेगा। का ऑर्डर है कि कोई भी धर्म के लोग सड़क पे सड़क बाधित नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि आदमी दूसरों को प्रॉब्लम पहुँचे, इससे हम लोग ने अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ा और बहुत सुकून से नमाज हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा भी वो होगा, हम लोगों ने लाउड स्पीकर भी हेल्प कम कर दिया। चौक की जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज यहाँ पर पूरी हो गई है, लोग नमाज पढ़ के नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या कहेंगे, आज नमाज़ पढ़ के आए, क्या दुआ मांगी आप? देखिए पहले तो हम यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग नमाज़ पढ़ के आए, हिंदू भाइयों ने हम लोगों को फूल वर्षा किया, ये गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नज़ारा चूँकि देखने को मिला है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये अपना इलाहाबाद प्रयागराज में मिलेगा। और ख़ासतौर से हम लोगों ने आज दुआ किया कि मुल्क में अमन शांति भाईचारा बना रहे, जिस तरीके से नफरतवादी सोच नफरत फैलाने वाले लोग जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे नफरत कराने की बात कर रहे हैं, वही हम लोगों ने मुल्क में अमन शांति भाईचारे के लिए दुआ किया कि अल्लाह मुल्क को अमन शांति भाईचारे में रखा रहे। और जिस तरीके से हिंदू भाइयों ने फूल बरसाया, फूल वर्षा की, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कहीं देखने को नहीं मिलती। कितनी अलग है इस बार की जो जुमे की नमाज है, अलविदा की नमाज है, कितनी अलग है? बहुत अलग है क्योंकि मतलब सालों साल हम लोगों ने हमेशा जुमे की, अलविदा की और क्या बोलते बकरीद की नमाज हमेशा हम लोगों ने रोड पे पढ़ी है, लेकिन अब की तो अलग है क्योंकि शासन और प्रशासन का ये आदेश नहीं था, उन्होंने आदेश नहीं दिया था कि आप लोग रोड पे नमाज पढ़े, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने नमाज अदा की मस्जिद के ऊपर, दो सब में और दो सब में नमाज हो रही है। और जिस तरीके से हमेशा से ये रहा है और ये गंगा जमनी तहजीब है और जहाँ पे हमारे भाई लोग खड़े हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी। क्या नाम है आपका? इरशादुल्ला जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अबरार। अबरार भाई कितनी अलग है इस बार की जुमे की नमाज? आप लोग पहले सड़कों में पढ़ते थे, आज जो फरमान जारी किया है कि मस्जिदों में ही और अपने घरों में नमाज अदा की जाए, तो किस तरह से आप लोग उसका पालन कर रहे हैं? देखिए सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उसका पालन सभी ने किया है, हमारे उलमाओं ने किया, हमने भी किया है और अच्छा लगा। सब लोग एक दूसरे की नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिदों में, मस्जिदें भरी दिख रही हैं माशाल्लाह। और हम लोगों ने यहाँ दुआ किया है अल्लाह ताला से कि हमारी जो गंगा जमते ही बनी, इसी तरह हमारा देश तरक्की करे और आगे बढ़े, खुशहाली करे, कोरोना जैसी बीमारी ख़त्म हो, यही लोग दुआ किया। आपने नमाज पढ़ के जो लगा है फूल आपने बरसा किए, क्या कहेंगे, किस तरह से स्वागत किया है आप? हम लोगों ने आज नमाजियों ने नमाज जब अदा करके बाहर निकल के आए तो उन्होंने प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, खुशहाली की, शांति के लिए, मानवता के लिए, जो सर्वोपरि मानवता है उसके लिए उन्होंने अरदास की खुदा के चरणों में, तो हम लोग उससे उत्साहित होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, भाईचारा हो और गंगा यमुना तहजीब यहाँ देखने को मिली, सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट करके पुष्प वर्षा करके हमने उस खुशी में और चांद चाल लगाने की कोशिश की है। मैं सरदार पतविंदर सिंह। इस बार की जो आपने नमाज सड़कों पर पढ़ते थे और आज मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो कितनी अलग है? और इस बार क्या बिजली की व्यवस्था ठीक है? सब कुछ ठीक है और जो नमाज पढ़ी गई बहुत सही तरीके से पढ़ी गई भाई, रोटों पे नहीं पढ़ी गई नमाज, ऊपर पढ़ा है, अब दूसरी नमाजें फिर से ऊपर होने जा रही है। बिजली व्यवस्था ठीक है इस बार? जैसे सब ठीक है, सारा कानून व्यवस्था ठीक है, बिजली व्यवस्था ठीक है, बस रोड पे नमाज नहीं हो पाई है, अब जो लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है वो दूसरी नमाज अब अदा करें। क्या नाम है आपका? फराज जी। आपका नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद जी। इस बार क्या कहेंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक थी? ईद चल रही है और ईद में जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है और आप अफ्तारी भी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो क्या बिजली व्यवस्था ठीक है? सब सही है, नमाज में परेशानी हुई और क्या। क्या परेशानी हुई? परेशानी हुई कि दो तीन दफ़े नमाज हो रही है, जगह कम पड़ गई और क्या। जो लोग नहीं पढ़ पाए थे उनको दोबारा मस्जिद में पढ़ना पड़ा और क्या, रोड की मनाहियत थी, रोड में नहीं पढ़ा गया जी। इस बार इस मस्जिद में खास बात यह है कि भीड़ ज़्यादा होती थी, लोग सड़कों पर पूरे प्रयागराज और उसके बाहर से लोग आते थे और यहाँ नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद के अंदर जगह कम है इसलिए दोबारा यहाँ पर नमाज की जा रही है ताकि वो लोग भी पढ़ सकें जो लोग यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ पाए थे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। तो क्या इस बार ईद का जो ये रोज़ा चल रहा है तो क्या इसमें बिजली की व्यवस्था कैसी थी आप? बहुत सही थी, बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, इस बार कितनी अलग आप ये मानते हैं जो नमाज अलविदा की है? भाई देखिए, यह मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है कि कोई भी धर्म के लोग सड़क पे सड़क बाधित नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है कि आदमी दूसरों को प्रॉब्लम पहुँचे, इससे हम लोग ने अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ा और बहुत सुकून से नमाज हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा भी
वो होगा, हम लोगों ने लाउड स्पीकर भी हेल्प कम कर दिया, तो ये अच्छी बात है, कोई इसकी बात नहीं है। मगर ये और धर्मों के लिए भी हो, ये नहीं कि हमारे लिए ये कर दिया गया और दूसरों के लिए फिर मूर्ति लगा के सड़क बंद करके 12 दिन करा दिया, ये ना हो। ये हमारे मुख्यमंत्री सबके हैं, वो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान। बिल्कुल। अच्छा, दो बार नमाज क्यों पढ़ाई जा रही है? दो बार इसलिए क्योंकि आदमी ज़्यादा हैं और जगह कम थी, जिसके वजह से दोबारा फिर पढ़ाई जा रही है। जिनको नमाज नहीं मिली वो नमाज अदा कर लें। प्रयागराज में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को पेश किया है और प्रशासन का जो भी आदेश थे उसका पालन भी करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।